दोस्तों एक मूवी की मैं बात करने वाला हूं जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। ओरिजिनल में मैं बताऊंगा रील और रियल में अंतर क्या होता है और क्यों ये फिल्म देखना बहुत ही ज्यादा एकदम जरूरी हो गया है। अब एक फिल्म के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है जिस फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी। ये मूवी देखने के बाद हिंदुस्तानियों के अंदर से उमंग जग जाता है, जो अंदर के मर्दानगी है ना एकदम जग जाती है और लोग बोलते हैं कि देखो कम से कम आप नहीं कम से कम दो तीन घर का लड़कियों की मूवी दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों भाई जरूरी है मुझे अभी तक ले पता नहीं चला। रील और रियल में अंतर क्या है ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये फिल्म देखने के बाद अंदर से एकदम मर्दानगी तो तुम लोगों के जग जाती है, लेकिन यही जब रियल घटना दिखाई ये नहीं देता है। ये तीन लड़कियां तुम लोगों के सामने का रियल का भी घटना हो रहा है। तीन लड़कियां जो पलवान है अपने हिंदुस्तान के चाइना पाकिस्तान से कई लोगों के साथ कई देशों में जाकर अपने झंडा तिरंगा गाड़ कर आई और आज आकर हिंदुस्तान में ही ठोकर खा रही है। ये तुम लोगों को मर्दानगी नहीं जगती? एक रील वाला फिल्म पर इतना ज्यादा जागरूकता फैलाने लगते हैं और बताते हैं कि कम से कम जाकर अपने बेटे को दिखाओ, ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है। फायदा किसको होने वाला है? डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। लेकिन ये लोग नहीं बताते कि जो रियल की घटना है हमारे हिंदुस्तान के पलवान जो तीन लड़कियां हैं जंतर मंतर पर कई महीनों से बैठी है अपने घर द्वार सब कुछ छोड़ छाड़ कर ताकि उनको न्याय मिले। लेकिन ये तो रियल है ना। हमारे हिंदुस्तान की कमी क्या है कि जब रियल वाला आता है उनको अंदर का मर्दानगी साला जग जाता है, लेकिन रियल घटना हो उस पर मर्दानगी लोगों को नहीं जगती है। ना कोई संगठन आता है ना कोई आता है। हाँ जब ये नेशनल वार्ड गोल्ड मेडलिस्ट हमारे देश में लेकर आते हैं चैंपियन बनकर आते हैं उस वक्त बताने में ये लग जाते हैं कि हमारी जाति क्या है। लेकिन यही रोड पर ये तीन लड़कियां भटक रही हैं जंतर मंतर। ये देखो आंसू ये रो रही लड़कियां, ये रियल है। केरला दी स्टोरी जैसा रियल फिल्म नहीं है, ये रियल घटना है। यही हम बताते हैं जब नेशनल ये चैंपियनशिप गोल्ड मेडल लेकर अपने देश में आती है तो हमारे देश की प्रधानमंत्री को देखिए। और विनेश ये तो मेरे ही परिवार की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बताने में लग जाते हैं कि ये तो हमारी घर की लड़कियां हैं, लेकिन यही लड़कियां तीन पलवान अभी रोड पर भटक रही हैं। कई दिनों से बेचारा ना खाना पानी कुछ मिलने वाला नहीं है, कई दिन से FIR तक नहीं हुआ। अब ये FIR हुआ है फिर भी अभी जंतर मंतर पर कई दिनों से लोग धरना दे रहे हैं। ये भी तो लड़कियां की घटना है ना, रियल घटना। लेकिन ये दी रियल केरला स्टोरी के तुम लोगों का ध्यान चली जाती है अंदर का मर्दानगी जगाने में लग जाते हो साले, लेकिन जहां रियल घटना है वहां पर किसी को मर्दानगी नहीं जगती है और बताने में लग जाते हैं कि देखो ये ऐसी थी वैसी थी। अब यही घटना जो हो रहा है अभी पलवानों के साथ हमारे देश के नौजवानों लड़कियों के साथ जो हो रही है ये घटना पर आज से 10 साल बाद फिर फिल्म बने तो फिर इन लोगों का अंदर का मर्दानगी जगेगा। जिस समय घटना ये हो रहा था तीस समय ये लोग घर में डुबो कर सो रहते थे, लेकिन इसी घटना पर मूवी 10 साल बाद बनता है तो इन लोगों का अंदर का मर्दानगी जगाकर कहते हैं देखो ये फिल्म है लड़कियों को देखना तो चला जरूर जाना चाहिए। अरे भाई कम से कम रियल जिंदगी तो बचाओ, रील के पीछे क्यों भाग रहे हो? रियल जो जिंदगी है तीन पलवानों के साथ सपोर्ट दो ताकि इनको न्याय मिले। लेकिन रियल के पीछे साला कौन भागता है? अपने है ना, यहां पर मूर्ख लोगों का कमी नहीं है। जो रील है फिल्म आ जाए उस पर ध्यान और एकदम आंख में से आंसू टपकने लगते हैं। फिल्म में ऐसा घटना होती है दो कास्ट एक अलग कास्ट के हीरो हैं और ये अलग कास्ट के हीरोइन है, शादी नहीं होगा तो बीच में ये लोग आंख में आंसू बहाते हैं कि देखो शादी कम से कम हो जाए साथी हो जाए। लेकिन सोच कर देखो एकदम रियल में अपना घर का घटना हो कि आपकी बहन किसी दूसरे जाति के साथ शादी करना चाहे तो क्या आप करवा देंगे? रील में और रियल में अंतर होता है भाई। क्यों ही देखने जाए सिनेमा? रियल तुम्हारे सामने घटना है ना, कोई सपोर्ट करने नहीं आ रहा है, ना कोई मंत्री ना प्रधानमंत्री जी। सोच कर देखो केरला स्टोरी ना देखो, हमारे नेशनल पलवानों का रियल स्टोरी तुम्हारे आंख के सामने है, जाकर भेंट तो करके आओ उसके बाद तो देखो। भीरी से आंसू उन लोगों के देख कर आओ, अपने लड़कियां को लेकर जाओ दिखाओ कि देखो ये नेशनल वाले हमारे हैं जो मेडल लेकर आए हैं हिंदुस्तान को जिताए हैं, उन लोगों के देखो आंख में आंसू। ये घटना दिखाओ, रील क्यों दिखाना है? रियल दिखाओ। बस यही कहेंगे नमस्कार।